ओ दिलदानी बड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला सिर लकला सफेम नीचे उठे आस लबस पूना तई छला दिया जिंदगी कट दिती कोई जनूना नए कलर के साथ आपको देखने मिलती है 5 इंचेस का TFT कलर डिस्प्ले मिल जाता है। लॉन्ग राइड जो इस पे करने का मजा है एडवेंचर पे। बाइक तो अभी स्टार्ट हो नहीं रही है। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय चैनल गियर शिफ्टर्स इंडिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आ जाया हूँ KTM वाकड़ेवाड़ी पुणे में एंड जो न्यू बाइक का जो मैं आज रिव्यू व्लॉग बनाने वाला हूँ वो है 2024 की KTM 390 एडवेंचर जो कि एक न्यू कलर के साथ आई है, वो है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर एंड दूसरा कलर जो है वो है वाइट एंड ब्लैक। वो अभी यहाँ पर कलर जो है अवेलेबल नहीं है, तो अपने पास अभी है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर जिसका मैं आज रिव्यू व्लॉग करने वाला हूँ। ऑन रोड प्राइस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, टॉप स्पीड, क्या क्या फीचर्स आपको देखने मिलते हैं मैं सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं ऐसे वीडियोस पहले भी बनाता रहता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल पर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये रही 2024 की KTM 390 एडवेंचर जो एक नए कलर के साथ आपको देखने मिलती है। तो विजुअली बाइक में क्या देखने मिलता है आपको बता देता हूँ। फ्रंट से अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको देखिए बढ़िया सा DRL देखने मिलता है, LED हेडलैम्प फ्रंट में देखने मिलती है और यहाँ पर आपको मीडियम साइज का यहाँ पे वाइजर मिल जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे आपको देखिए WP Apex के फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, बट स्पोक व्हील वाली अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इसमें आपको स्पोक व्हील का जो मॉडल है वो भी आपको अलॉय व्हील्स एंड स्पोक व्हील्स दोनों मॉडल्स आपको इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे आप अगर बात करें आपको देखिए लेग गार्ड मिल जाता है यहाँ पे, आप जो ब्लैक कलर पूरा आपको देखने मिलता है अलॉयज में, सिंगल डिस्क मिलती है, डबल चैनल ABS मिल जाता है एंड यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करें तो टैंक में तो आपको कुछ ग्राफिक देखने नहीं मिलता है, ये मैट कलर आ जाता है एंड ऑरेंज में जो है आपको यहाँ पे ग्लॉसी देखने के लिए मिलता है देखिए। एंड यहाँ पर भी आपको एडवेंचर देखने मिल जाता है एंड यहाँ पर कुछ टेक्सचर दिया है काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड सीट जो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है कंफर्ट के साथ। एंड यहाँ पर भी आपको देखिए यहाँ पर फेयरिंग टाइप साइड में मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मिरर जो आपको मिरर में तो कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, आपको मोस्टली यहाँ पर अभी फिलहाल कलर में ही आपको चेंजेस जो है बाइक में देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे KTM आ जाता है, यहाँ पे एडवेंचर 390 एंड यहाँ पर आ जाता है एडवेंचर एंड यहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर है देखिए एडवेंचर 390 का। और गैब्रियल की बात करेंगे तो गैब्रियल भी देखिए काफ़ी बढ़िया एकदम मजबूत है, टॉप रैक लगने के बाद टॉप बॉक्स के साथ ही जो बाइक है भाई काफ़ी अमेजिंग हो जाती है। यहाँ पर आपको देखिए LED इंडिकेटर्स एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है LED टेल लैम्प जो काफ़ी सही है, जो पहले वाले एडवेंचर में आता वही है एंड ये एग्जॉस्ट जो है वो पहले से ही कुछ चेंजेस नहीं है बट ये कलर का जो एग्जॉस्ट है इस बाइक पे सूट करता है, ना हम बोलेंगे कि ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, काफ़ी सही है। अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको इसमें देखिए ऑरेंज, वाइट, ब्लैक तीन कलर कॉम्बिनेशन बाइक में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको देखिए बढ़िया सा आपको एक बार मैं बंद करके दिखा देता हूँ TFT कलर डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने मिलता है देखिए रेडी टू रेस और ये काफ़ी सही है। यहाँ पे देखिए रिमूव फॉर GPS माउंट, यहाँ पे आप अलग से माउंट लगा के आपको मोबाइल आपका माउंट करना तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे भी KTM का बैजिंग आ जाता है यहाँ पर हैंडल के ऊपर। स्विचेस जो आपको सेम मिल जाते हैं जो आपको पहले की KTM में देखने के लिए मिलता है एडवेंचर में और वो काफ़ी प्रीमियम, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि क्वालिटी वैसी नहीं है, पहले जब मिलती थी वही है। यहाँ पर आपको इथेनॉल 20 देखने के लिए मिल जाता है बाइक में तो काफ़ी सही है। अभी सारे फीचर्स की बात करें तो अब उसके पहले आप इसका सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए। तो आई होप आपने सिनेमैटिक्स एंजॉय किया होगा इस बाइक का। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो पहले बात करते हैं अभी इंजन की, 3.27 सीसी का आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक FI इंजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत पावरफुल इंजन आपको जो पहले से ही 373 cc आ रहा है, बट अभी जो बाइक आ रही है KTM ड्यूक की 390 में जो आपको 399 cc का इंजन देखने मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो है पहले वाला ये इसमें अभी तक 399 वाला अपग्रेड नहीं किया है एडवेंचर में,
तो कि ये भी पावर में कमी नहीं है, बिकॉज मैं 2016 की KTM RC390 राइड करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पावर है, मुझे तो कुछ खास ज़्यादा फ़र्क लगता नहीं है, बट इंजन जो है ना भाई माइंड ब्लोइंग है। एंड बात कर लेते हैं BHP की, तो आपको इसमें 43.5 BHP एट 9000 RPM एंड मैक्स टॉर्क जो आपको इसमें मिलता है वो है 37 न्यूटन मीटर का एट 7000 RPM। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक आराम से आपको 150-160 का आराम से टॉप स्पीड देती है, जो कि एडवेंचर बाइक होने के बाद भी आपको इतना टॉप स्पीड इसमें देखने मिलता है। बात कर लेते हैं अभी फ्रंट फोक की, तो यहाँ पे आपको WPFX के 43mm के अप्स एंड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको जो है एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाता है। एंड एलॉयज की बात करेंगे, फ्रंट में आपको 19 इंच एंड रियर में आपको 17 इंच का एलॉय देखने को मिलता है, जो कि पूरा ब्लैक कलर में है। एंड जो फ्रंट टायर का साइज़ है वो है 190 एंड रियर का जो साइज़ है वो है 130/80। एंड डिस्क की बात करेंगे तो इसमें आपको डबल चैनल ABS देखने मिलता है, फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क देखने मिलती है। एंड जो डिस्क का साइज़ है वो 320mm एंड रियर में जो है आपको मिलता है 230mm। तो चलिए जी बात कर लेते हैं अभी फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक जो आपको इसमें मिलता है 14.5 लीटर्स का, जो देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है, बट यहाँ पे आपको 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि आपको पहले KTM में 9 लीटर्स का आता था, तो KTM ने अभी कुछ टाइम पहले मतलब इसको अपग्रेड कर दिया था, तो आपको 14.5 लीटर्स मिलता है। प्लस अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी इसमें क्लेम करती है अराउंड 28 किलोमीटर पर लीटर का, बट फिर भी आप 30 प्लस इसमें माइलेज आराम से ले सकते हो, जैसे मैं मेरी RC390 पर लेता हूँ, सेम एज इट इज़ वही इंजन आपको इसमें देखने मिलता है, वही पावर मिलती है, तो वो आराम से आप 30 प्लस माइलेज इसमें ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको देखिए 5 इंचेस का TFT कलर डिस्प्ले मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे देखिए इंजन लाइट, ABS लाइट, यहाँ पे देखिए साइड स्टैंड लगा हुआ है, ये ट्रिप वन, ये देखिए यहाँ पर डेट आ जाती है, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज, यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी आ गया, यहाँ पे आपको देखिए RPM देखने मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। बात करेंगे इसमें मोड्स की, तो आपको इसमें 2 मोड देखने मिलते हैं। अभी देखिए ये राइड स्ट्रीट मोड पे है, इसमें आपको देखिए ABS ऑन है, यहाँ पे MTC ऑन है, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे सेट बटन करना है, सेट बटन दबाने के बाद वापस सेट करना है, इसके अंदर जाऊँगा तो आपको देखिए यहाँ पर स्ट्रीट और ऑफ रोड मोड, ये आपको 2 मोड इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ABS जो है उसका वैसे भी स्विचेबल है, आप उसको अगर चाहो तो बंद करते हो तो आपको रियर ABS जो है वो ऑफ हो जाएगा। बाकी आपको कुछ खास देखने के लिए मिलता नहीं, यहाँ पे देखिए KTM माई राइड ट्रिप्स डेटा, यहाँ पे राइड मोड, मोटरसाइकिल, यहाँ पे सेटिंग्स, ये सब आपको चीज़ें इसके देखने मिलती है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो आपको ऑलमोस्ट इसमें देखने के लिए मिलती है, ये कुछ यहाँ पे स्विचेस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास लेट आ जाती है, एंड यहाँ पे देखिए आपको अप्स एंड लेफ्ट बैक सेट बटन मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न स्विच मिल जाता है, यहाँ पे इंजन किल स्विच मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको स्टार्टर मिल जाता है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको स्टार्ट करके एक बार आवाज़ सुना देता हूँ बाइक की, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्यूल नहीं है लगता, बाइक तो अभी स्टार्ट हो नहीं रही है, तो बाइक में ऐसा है कि अभी फ्यूल नहीं है, अभी इवनिंग का टाइम है वैसे भी, तो फिर अभी फ्यूल के लिए मैं बोलता नहीं हूँ। वैसे भी आपको एग्जॉस्ट नोट आपने तो सुनी होगी, तो पहले एडवेंचर में सुनने को मिलती है, वो सेम है, उसमें कोई फ़र्क भी नहीं है। बाकी आपको मैंने सारे फीचर्स जो है ऑलमोस्ट मैंने आपको बाइक के बारे में बता दिया है। एग्जॉस्ट जो है वो बहुत सही लगता है, यहाँ पे अगर सीट की बात करें, आपको सीट कुशनिंग की, तो आपको देखिए यहाँ पर टैंक तक देखने को मिल जाती है। एंड सीट कुशनिंग जो है आपको यहाँ पर जो पिनियन और राइडर की जो सीट है, दोनों मुझे एज इट इज सेम लग रही है, जो कि मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही है। लॉन्ग राइड जो इस पे करने का मज़ा है एडवेंचर पे, KTM की मोस्टली जो KTM की एडवेंचर की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे जो राइड करने का मज़ा है ना वो बहुत सही है। आप इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन लाइक आप टॉप बॉक्स और जो टॉप रैक लगने के बाद इतनी सही लगती है ना बाइक, और पूरे जो लग जाते हैं, अगर सैडल बैग भी अगर इंस्टॉल करते हो तो बाइक जो है ना बहुत सही है एकदम। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ बाइक में मॉडिफिकेशन करनी है राइड करने के लिए, चाहे तो आप एक नॉर्मल बैग लगा के भी निकल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है, मैं आपको सारा कुछ अभी बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइक में फ्यूल नहीं है, तो अभी बाइक स्टार्ट जो है वो नहीं हो रही है, तो बाइक का इसमें वेट जो आपको देखने मिलता है वो है 177 kg का, जो कि इतने पावर के हिसाब से वो बहुत सही है। एंड सीट हाइट की बात करें तो आपको इसमें 855mm देखने के लिए मिलता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ना ज़्यादा है, मतलब मेरी हाइट जो है वो 5.9 इंचेस है, मैं आपके ऊपर बैठ के दिखाऊंगा कि मेरे पैर कितने लगते हैं, तो 5.5 हाइट जिसकी होगी मेरे हिसाब से कम वही बंदा इसको राइड कर पाएगा, 5.5 या 5.6। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है, ये देखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको बढ़िया सा देखिए नीचे बैश प्लेट देखने के लिए मिलता है, ये देखिए, जो कि आपके इंजन को एंड एग्जॉस्ट पाइप को, बेंड पाइप को जो है
बचाएगा। ऑफ रोडिंग आप आराम से कर सकते हो, 200 mm कम नहीं होता। बाकी बहुत सारी बाइक्स है जिसमें कंपेयर करूँ तो ये 200 mm जो आपको है एडवेंचर KTM की, इसमें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है मेरे हिसाब से। एंड सर्विस कॉस्ट की बात करेंगे इस बाइक की, तो सर्विस कॉस्ट जो है आपको पेड़ में आराम से ना 3 से 3,500 रुपये आराम से लग जाते हैं। एंड मेरे हिसाब से 400 cc बाइक के हिसाब से 3-3,500 ज़्यादा नहीं है सर्विस कॉस्ट के लिए, बहुत एकदम मतलब रीजनेबल लगता है मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैंने बताया मेरी हाइट है 5.9, तो एक बार मैं बाइक पे आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मेरे जो पैर है वो ज़मीन पे कितने लगते हैं। ये देखिए ऐसे मेरे पैर लगते हैं, मतलब पूरे जो एड़ियाँ हैं ना वो दोनों साइड टच नहीं हो पा रही ज़मीन पर, तो थोड़ी थोड़ी रहना, मतलब मैं तो कम्फर्टेबली इसको आराम से, देखिए इस तरह का व्यू आता है, आराम से मैं राइड कर सकता हूँ एडवेंचर 390 को। जिनकी हाइट 5.5 से नीचे है, 5.6 से नीचे ना, मेरे हिसाब से ना वो बंदे इसको अच्छे से राइड नहीं कर पाएंगे। फिर भी मेरे हिसाब से 5.5 तो मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको एडवेंचर 250 या 390 अगर आपको राइड करनी है। देखिए हाँ, एक पैर ऊपर लेता हूँ तो ईजिली, ये देखिए ऐसा दोनों पैर रखकर तो वैसे ही कोई बैठता नहीं है, बट मतलब ऐसे मैं इसको ईजिली राइड कर सकता हूँ आराम से। मुझे तो देखिए बहुत सही लगी। कलर जो है मैं चाहता था कि मैं व्हाइट वाली यहाँ पे रिव्यू व्लॉग करना चाहता था, बट व्हाइट कलर जो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अपने को यहाँ पे ऑरेंज वाला कलर मिला है आज रिव्यू के लिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं फाइनल चीज़ की, जो है बाइक का ऑन रोड प्राइस। तो 2024 की KTM 390 एडवेंचर का ऑन रोड प्राइस पुणे में है वो है 4,06,000 रुपीज़। तो मुझे लगता है जो पहले एडवेंचर आती थी ना, शायद उसका प्राइस ना 380-390 के लगभग उसके आसपास था, बट अभी जो है गाड़ी में आपको बहुत बहुत कुछ, अभी जैसे प्राइस रेंज जो है हर एक चीज़ की अभी बढ़ चुकी है, तो बाइक्स के भी प्राइस बढ़ चुके हैं। बाकी बाइक में तो मुझे लगता नहीं कुछ अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आपको चाहिए तो आप लीवर गार्ड जो है अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसमें वाइजर्स भी मिल जाते हैं बड़े वाले आपको लगाने हैं तो, एंड यस एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपको कुछ अलग माउंट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं इस बाइक में मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको जो लेग गार्ड मिल जाते हैं आप यहाँ पे आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर आराम से आप शॉर्ट राइड्स करो, लॉन्ग राइड्स करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। मुझे तो देखो ये बाइक पहले से ही पसंद है, क्योंकि मैं वैसे भी KTM लवर हूँ, जैसे मैंने बताया मैं राइड करता हूँ मेरी RC 390 2016 मॉडल, तो मुझे तो देखिए काफ़ी पसंद है KTM की बाइक। मुझे उसमें कोई भी ये नहीं कि मैं पछता रहा हूँ बाइक को लेकर, 2016 का मॉडल है, आज है 2024, तो आप ही देख लीजिए ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो रहे हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ मेरी बाइक से। अगर आपका मन है कि अगर आपको KTM की लेनी है, अगर आपको 390 लगता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो आप 250 पे भी जा सकते हो, स्विच कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट राइड्स करनी है, आपको डेली में भी यूज़ करना है, तो आप 250 ले सकते हो, जिसमें आपको माइलेज भी ज़्यादा देखने मिलेगा और आपको कम्फर्ट तो इस बाइक में बोल ही सकते हो कि नहीं है, कम्फर्ट बहुत है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सही बाइक है। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 4,06,000, मतलब 4,00,000 रुपये प्राइस है इस बाइक का। हाँ जी, तो वेलकम बैक। सारे फीचर्स, प्राइस, टॉप स्पीड, ऑन रोड क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है क्या नहीं मिलती है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। यस, एक चीज़ मिस हो गई थी, वो है यहाँ पर, ये देखिए एडजस्टेबल लीवर यहाँ पर बाइक में देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत सही है, लेकिन किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसके बड़े होते हैं, तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक बाइक में मेरे हिसाब से ना ये एडजस्टेबल लीवर्स आपको मिलना ही चाहिए भाई, चाहे वो सस्ती बाइक क्यों ना मिलती हो, बट उसमें ये देना चाहिए, बहुत सही फीचर है वो। बाकी जो है देखिए बाइक में कोई कमी नहीं है, सारा कुछ आपको मिल जाता है, और बाइक का जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत सही है, बहुत अमेजिंग है। मैंने थोड़ा बहुत राइड किया है, बट लॉन्ग राइड में जो मज़ा मुझे लगता है एडवेंचर बाइक पे, वो किसी पे नहीं है। बट फिर भी जैसे मैं RC 390 पे भी मेरे लॉन्ग राइड्स करता हूँ, थोड़ी तकलीफ होती है, बट हाईवे पे जो मज़ा आता है आपको स्पोर्ट्स बाइक चलाने का ना, वो कुछ अलग ही होता है, कि आपको राइड करना है तो आप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आप एडवेंचर है ही, आप एडवेंचर ले सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। होप आपको मैंने सारे फीचर्स बता दिए, आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, अगर मैंने कुछ मिस आउट किया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए जी, आपको मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।